मूवी में हमें दिखाया जाता है कि रुद्रवनम में वेंकट चलपति और उनकी पत्नी पर गांव के लोगों द्वारा बेरहमी से हमला किया जाता है। उन्हें पहले दौड़ाया जाता है, फिर पेड़ से बांधकर जला दिया जाता है। गांव के लोगों का मानना था कि वेंकट चलपति और उनकी पत्नी लोगों के ऊपर काला जादू करते हैं। इसी वजह से गांव में कई सारे लोगों की मौत हो जा रही है। और मरते वक्त वेंकट चलपति की पत्नी वन्नम गांव को शराब देती हैं, कहती हैं कि 12 साल बाद गांव का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। और वेंकट चलपति और उनकी पत्नी के मरने के बाद उनके बेटे भैरव को गांव के सरपंच द्वारा कहने पर एक अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया जाता है। अब कहानी में 1990 का समय दिखाया जाता है, जहां पर गांव के एक आदमी पर एक कौवे द्वारा हमला किया जाता है। इसके वजह से वह कई दिनों तक लापता हो जाता है। इस हमले के एक सप्ताह बाद अनु सेना अपने बेटे सूर्या और भतीजे के साथ अपने गांव वापस आती है, ताकि वह गांव में बनने वाले स्कूल में अपनी जमीन को दान दे सके। रुद्रवनम इन लोगों का मूल गाँव होता है, लेकिन वह शहर में जाकर रहने लग जाते हैं और गाँव की देवी मोहतम्बा के लिए हो रहे पूजा में भी आते हैं। गांव के सरपंच हरिश्चंद की बेटी नंदिनी के साथ सूर्या की मुलाकात होती है और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन नंदिनी सूर्या का प्रपोजल एक्सेप्ट करने से हिचकिचाती है। लेकिन तभी कानी फेस्टिवल के टाइम पर सिद्धिया गांव में वापस आ जाता है और वह बहुत बुरी तरह चिकन पॉक्स से अफेक्टिव होता है और सिद्धिया मंदिर के गिर्द घरों में जाता है जहाँ पर देवी की मूर्ति रखी होती है और वहीं पर तड़प कर मर जाता है, जिसे बहुत ही अपवित्र माना जाता है। मंदिर के पुजारी गाँव में घोषणा करते हैं कि उनकी देवी और उनके गांव के लोगों को अपवित्र किया गया है। गांव में किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए गांव के चारों दिशाओं को 8 दिनों तक बंद करना होगा और उन 8 दिनों में ना तो कोई गांव से बाहर जाएगा और ना ही कोई बाहर से गांव में आएगा। और गांव के लोगों के सारे धार्मिक चीजों को हमें मंदिर के अग्निगृह में डालना होगा। लेकिन तभी गांव को बंद करने से पहले सूर्या और उसके परिवार के लोगों को गांव से बाहर जाने की अनुमति दे दी जाती है, क्योंकि वे इस गांव के नहीं होते हैं। वहीं नंदिनी को दौड़े पन्ने की बीमारी होती है और तभी नंदिनी को दौड़े पन्ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी मेडिसिन गांव के बाहर से एक आदमी लेकर आ रहा होता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही ये बात सूर्या को पता चलती है, वो इस आदमी से मेडिसिन लेकर गांव के अंदर आ जाता है। सूर्या के अंदर आते ही गांव को बंद कर दिया जाता है। अब सूर्या को मजबूर होकर 8 दिनों तक इसी गाँव में रहना होगा। सूर्या की लाई हुई मेडिसिन से नंदिनी ठीक हो जाती है और दूसरी तरफ सुधा नंदिनी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है, जो की एक लड़के से प्यार करती है जो की उसी गाँव के पड़ोस का होता है, और वह उस लड़के के साथ भागने के लिए गाँव को क्रैश कर देती है, जिसके वजह से गांव की चारों दिशाओं का मंत्र टूट जाता है, जिस वजह से सुधा की मौत हो जाती है। जब वह गांव लौट रही होती है, तब वह एक मधुमक्खी के छत्ते में घुस जाती है, जिस वजह से मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। गांव में बेइज्जती होने की वजह से सुधा के माँ बाप उसके भागने की बात को छुपा देते हैं। अब आगे इस गाँव पर उस श्राप का क्या असर होगा, यह जानने के लिए इस मूवी को एक बार पूरा जरूर देखें।